झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर महोदय के जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा लगातार अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जा रहा है महामहिम राज्यपाल के लिए, इन सारे विषयों को लेकर के आज हम महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग गए कि एक स्पीकर को, एक अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को जो दलगत राजनीति से ऊपर बैठ कर के पद पर आसीन है, वह व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, वहां पर असंसदीय और अशोभनीय के साथ साथ जो संवैधानिक प्रमुख हैं झारखंड के, राज्यपाल के बारे में टिप्पणी करने का काम किया, इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और अब तो मैं मानता हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं का वो चकनाचूर करने का काम किया। आज तक झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, पहला स्पीकर होंगे जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के एक राजनीतिक दल के तले झंडे में, बैनर में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए उनको तनिक भी अगर नैतिकता होगी, संविधान के प्रति अगर थोड़ा सा भी दर्द होगा, तो उनको इस्तीफा दे करके तब राजनीति के क्षेत्र में आए, उनका मुकाबला हम सब लोग करेंगे। कहीं पर स्पीकर और राज्यपाल नहीं, राज्यपाल कहीं नहीं है, राज्यपाल इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और किसी भी संवैधानिक प्रमुख में बैठे हुए शेड्यूल 5 में उनको अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार है उनके पास, वो पूरे प्रदेश में घूमने का अधिकार है, समाज के दर्द को जानने का अधिकार है। और इसलिए उन पर कोई टिप्पणी करता है तो इसका मतलब राजनीति की मर्यादा को कम करता है। आप लोगों ने राज्यपाल से क्या मांग? देखिए, हमने यहाँ पर अपनी बातों को रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यायपालिका के दरवाजे को भी हम खटखटाने में देर नहीं करें। पता नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहां से रात में सपना आता है, और सपना भी बुरा बुरा आता है। उनको भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है, महामहिम राज्यपाल से डर लगता है, प्रधानमंत्री जी से डर लगता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से उनको डर लगता है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और हमको क्या लगता है कि निराशा की जीवन में राजनीति कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।